इस पाइप में आप देख सकते हैं पूरे तरीके से आइस जम गया है, ये क्यों जमता चलिए उसे हम समझते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये डिस्चार्ज पाइप है जो हमारा पतला वाला पाइप उसमें पूरे तरीके से आइस जम चुका है। ठीक है, ये किस कारण से आइस जमा हुआ है उसका पूरा डिटेल इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से इसको सॉल्व करना है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा अगर ये जो मोटा वाला एक और पाइप है जिसे हम सक्शन पाइप करते हैं अगर उसमें भी आपका आइस बहुत ज़्यादा जम जाता है तो इसको किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि अगर ये दोनों पाइप में किसी में भी आइस जमता है तो आपका कूलिंग कभी नहीं होगा। ठीक है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है पूरा डिटेल इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो। चलिए टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोनों पाइप के बारे में, एक डिस्चार्ज पाइप है और एक सक्शन पाइप है। ठीक है, जो पतला वाला पाइप है उसे हम डिस्चार्ज पाइप कहते हैं और जो हमारा मोटा वाला पाइप है उसे हम सक्शन पाइप कहते हैं। डिस्चार्ज पाइप का काम ये रहता है जो हमारा गैस रहता है कंप्रेसर के पास वो हमारा भेजता है, उस गैस को वहाँ से भेजता है उसे हम कहते हैं डिस्चार्ज पाइप। और जो रिटर्न वहाँ से गैस आता है उसे जो मोटा वाला पाइप है उसे हम कहते हैं सक्शन पाइप, उससे आपका जो गैस रहता है वो रिटर्न आता है। ठीक है, तो ये दोनों पाइप के बारे में आपको पता चल गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये आइस क्यों जमता है, दोनों के बारे में बताने वाला हूं आपको। पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ सक्शन के बारे में मोटा वाला पाइप, उसके बाद मैं आप लोगों को पतला वाला पाइप के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि दोनों को जानना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर मोटा वाला पाइप में अगर आपका आइस जमता है पूरे तरीके से तो इससे हम लोग को तुरंत समझ लेना है कि जो हमारा जो इंडोर या आउटडोर यूनिट है वो पूरे तरीके से गंदा हो चुका है। अगर इंडोर यूनिट में पूरा तरीके से गंदा हो जाएगा, जो उसमें कूलिंग कॉइल रहता है पूरा ब्लॉक हो जाएगा गंदगी से, और हमारा जो ब्लोअर रहता है जिससे हमारा हवा फेंकता है इंडोर यूनिट से वो पूरा तरीके से अगर जाम हो जाएगा डस्ट से, तो क्या होगा आप में जो मोटा वाला पाइप रहेगा उसमें आइस जमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन क्या है कि आप आउटडोर यूनिट के पास जाकर के ये दोनों पाइप में अगर मोटा वाला पाइप में आइस जम रहा है तो बस आपको देख करके ही समझ जाना है ये जो हमारा एसी है इसमें पूरी तरीके से गंदा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको सर्विस करना है प्रॉपर तरीके से। अगर बेहतर तरीके से आप सर्विस कर दोगे, और सर्विस किस टाइप से करना है, ऊपर ऊपर नहीं, आपको क्या करना है इंडोर को पूरा तरीके से नीचे उतार देना है, नीचे उतारने के बाद पार्ट पार्ट अलग करके इसको सर्विस करना है, उसके बाद ये प्रॉब्लम आपका इजिली सॉल्व हो जाएगा। जो आपका आइस जम रहा था सक्शन पाइप में वो ज़रा सा भी नहीं जमेगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका हो गया था सक्शन पाइप के बारे में। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ डिस्चार्ज पाइप में जो ये प्रॉब्लम आपको दिख रहा था अभी तुरंत, ठीक है, क्यों ये आइस का आ रहा था वो आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। कभी भी डिस्चार्ज पाइप में अगर आइस जमता है पूरा तरीके से तो उसका रीज़न बस यही है कि इसमें गैस ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अगर गैस कम हो जाता है इसमें ज़रा सा भी नहीं रहता, हल्का फुल्का रहता है जैसे कि आपका 5 पॉइंट या 10 पॉइंट, तो उसके वजह से ही इसमें क्या होता है आपका आइस जमना शुरू हो जाता है पतला वाला पाइप में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, कभी भी गैस कम हो जाता है इसमें तो आपका पतला वाला पाइप में आइस जमना शुरू हो जाएगा। तो यही कंडीशन होता है पतला वाला पाइप के बारे में, इसी कारण से आपका आइस जमता है। तो इसको सॉल्व हम कैसे करते हैं, नॉर्मली आपको क्या करना है, सबसे पहले लीकेज को पता करना है कि हमारा जो एसी का जो एसी है हमारा उसमें 4 जगह नट टाइट रहता है। मैं आप लोगों को इसके बारे में बता रहा हूँ स्प्लिट एसी के बारे में। ठीक है, 4 जगह नट टाइट, 2 आपका आउटडोर यूनिट में टाइट रहता है और 2 आपका इंडोर में टाइट रहता है। इंडोर के जैसे आपका नट निकलता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एक मोटा पाइप नट टाइट होता है और एक पतला रहता है जिसे हम सक्शन और डिस्चार्ज दोनों कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर नट आपको सबसे पहले चेक कर लेना है, अगर वहाँ से लीकेज रहेगा तो नॉर्मली आपको ठीक कर देना है, और अगर आउटडोर यूनिट के पास जो नट टाइट रहता है वहाँ पर एक बार कन्फर्म कर लेना है। दोनों जगह से किसी भी आपको अगर लीकेज मिल जाता है तो उसको बेहतर तरीके से सही कर दिए, उसके बाद आप गैस प्रॉपर तरीके से चार्ज करिएगा जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ गैस चार्ज करते हुए। इस तरह से अगर आप गैस चार्ज कर दोगे तो आपका इजिली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये जो आइस है वो पूरे तरीके से गल रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर गैस चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो गैस चार्ज करने से ये इजिली ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर गैस नहीं रहता तभी ये पतला वाला पाइप में आपका आइस जमना शुरू हो जाता है। तो ये डिटेल के बारे में मुझे बताना था फ्रेंड्स किस प्रकार से आपका पतला वाला पाइप में डिस्चार्ज पाइप में आइस जमता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।